बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग जो है एक क्विक रिच स्कीम है, लाइक हम आज से शुरू करेंगे तो एक दो महीने में ही पैसे बरसने लगेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे आपने 13 साल 14 साल की उम्र से करना शुरू कर दिया था, तो कोई 25 साल 30 साल का बंदा अगर ब्लॉगिंग के बारे में सुनता है तो वो ये सोचता है कि अगर ये बंदा कर ले रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालांकि इंस्पिरेशन लेना गलत बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर लेना, ब्लॉगिंग को एक क्विक रिच स्कीम समझना, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सो सतीश भाई, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग को या कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी कर रहे हैं, तो उसको एज ए क्विक रिच स्कीम ना लीजिए, ठीक है? बिकॉज आपको भी पता है कि ये ऑनलाइन बिजनेस है और ये टाइम लेता है। बिकॉज आपको अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी पहली अर्निंग आई थी वो करीबन 1.5 इयर्स हसल करने के बाद आई थी। मेहनत कर रहा था मैंने उस कहते हैं ना 18 महीने में, उसके बाद मेरे को अर्निंग आना शुरू हुई थी। तो जो भी न्यू भी आ रहे हैं, मैं देखता हूँ वो लाइक यही सोच के आते हैं कि यार ये क्विक स्कीम है और हम इसको अभी जाएंगे अगले दिन से पैसा बनना शुरू हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड आप जब मेहनत करेंगे अपनी कहते हैं ना अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ग्रोथ जरूर दिखेगी। तो मेरा ये मानना है सतीश भाई। बेसिकली मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ जिनको भी ये लगता है कि ब्लॉगिंग में स्कोप है कि नहीं, या फिर चीज़ों को समझने से पहले ही वो ब्लॉगिंग को ये समझ लेते हैं कि हम पैसा बहुत छापेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले ब्लॉगिंग को समझो कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग वर्क कैसे करता है, ब्लॉगिंग में हमें करना क्या होता है। तो पहले तो इस काम को समझो, फिर आप इस काम को समझ लिया तो इस काम के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, पहले उसको सीखो, फिर जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम इससे पैसे कैसे बना सकते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, पैसे कुछ इस तरीके से आते हैं।